राय अब्दुल्ला भट्टी शहीद अलमारूफ दुल्ला भट्टी खुदा पंजाब का एक अजीम सपूत और जरूरत बहादरी का था। जिसे पंजाबियों ने अपनी यादों में जिंदा रखा हुआ है अकबर बादशाह के, के, के लश्कर के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी और शाही अफवाह ऐसी खुराक और नकदी छीन कर मुकामी आबादी के गबा में तकसीम करता था इसे अपने दौर में एक जिंदा हीरो का दर्जा हासिल था इसीलिए मुकामी लोक शायरों ने भी इसके जिंदगी में ही इसे अपने गीतों का मौजूद बनाया दुल्ला भट्टी जिसे पंजाब का रॉबन भी कहा जाता है वो सा भट्टी का पोता और फरीद भट्टी का बेटा था मुगल शहनशाह हुमायूं के बाद जब अकबर बादशाह ने तक संभाला तो बाग़ियों का कला कमा करने की ठान ली सांदल के इलाके में मुगलों के सबसे सब बड़े दुश्मन फरीद और साधल भट्टी थे लिहाजा इन दोनों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने अकबर के दिन इलाही को तस्लीम नहीं किया था और न ही दोनों मुगलों को हुक्मरान तस्लीम करते थे बड़े होने आरोप माँ ने दुल्ला भट्टी को बाप दादा की मौत का बताया तो दुल्हे ने कसम खाई की वो अकबर को जिंदा नहीं छोड़ेगा इसने मुगलिया हुकूमत को तस्लीम करने ऐसी इनकार कर दिया और खिराज देना भी बंद कर दिया इस दौरान दुल्लहे ने एक छोटी सी फौज तैयार की और अकबर के हामी उमरा और जिम्मेदारों के घरों पर डाके डालना और इनको लूटना शुरू कर दिया दुल्ले की रिश्त दवाियों के सब मुग़लों को अपना दारुल हुकूमत लाहौर लाना पड़ा दुल्ले भट्टी का खास निशाना मुख्तु हु की जानव ऐसी अकबर को भेजे जाने वाली डाक और अकबर की जानब ऐसी इनको भेजे जाने वाले तोहफे तहाज थे आए दिन की लूटमार से तंग आकर अकबर बादशाह ने अपने दो जरनेल दुल्ले भट्टी को काबू करने के लिए रवाना किए मिर्जा अलाउद्दीन और मिर्जा जियाउद्दीन की क्यादत में बारह हजार के लगभग फौजियों पर मुश्मिल लश्कर दुल्ला के गाँव पहुँचा मुगल फौज ने बहुत कोशिश की कि दुल्ले को गिरफ्तार कर ले मगर दुल्ला भट्टी अकबर के हामी उमरा से लूट मार करके रकम गोरवा में तकसीम कर देता था या गरीब बच्चों की शादियां करवा देता था इसलिए मुकामी आबादी ने दुल्ले भट्टी का साथ दिया बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि अगर दुल्ला भट्टी जिंदा न मिले तो उसे मुर्दा पकड़ कर लाया जाए और अगर ऐसा भी मुमकिन न हो तो घर की खातन को दरबार में पेश किया जाए जब दुल्ला नहीं मिल सका तो जिले अलाही के हुक्म की तामील में सिपाही घर की खवातीन को साथ लेकर चल पड़े दुल्ले को मालूम पड़ा तो उसने पलट कर मुगल फौज पर हमला किया और घुमसान का रन पड़ा सिपाह पिट गई और मुगल जर्नैलों ने दुल्ले की माँ से पनाह तलब की माँ ने दूध की बत्तीस हजारों वास्ता देकर दुल्ले को रोक लिया मुगलिया फौज की नाकाम वापसी के कुछ अरसे बाद मुगलों ने सुलह की शराब तय करने के लिए दुल्ले को अपना मेहमान बनाकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया कुछ दिन शाही कले में कैद रखने के बाद दुल्ले को थाना कोतवाली के सामने नकाश मंडी में फांसी दे दी गई पंजाब के इस हुरियत पसंद की नमाज जनाजा मशहूर सूफी बुजुर्ग माधु लाल हुसैन ने पढ़ाई दुल्ला भट्टी आज भी पंजाब के आवाम के दिलों में जिंदा है और वह इसे अपना हीरो मानते हैं YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो ऐसी बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा